काबेंद्र चौहान के साथ। क्या चेन्नई में जब फ्लड्स आते हैं तो हमको तकलीफ नहीं होती? क्या कश्मीर में जब आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो हमको तकलीफ नहीं होती? कि गुजरात में जब किसी का कत्ल होता है तो हमको तकलीफ नहीं होती? तो फिर उड़ीसा में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर कोई भी बातचीत क्यों नहीं करना चाहता? नमस्कार, भारत एट नाइन कार्यक्रम में एक बार फिर आप मुझको देख रहे हैं और आज मैं उस मुद्दे पर बात करूंगा जिसको नेशनल मीडिया दरअसल नेशनल नहीं मानता। पता नहीं क्यों, सबके अपने अपने फंडे हैं। नेशनल मीडिया ज्यादा इसमें दिलचस्पी लेता है कि प्रियंका गांधी क्या कहती हैं, कि मोदी जी क्या कहते हैं, लेकिन यह कोई नहीं आपको बताएगा कि उड़ीसा में एक 24 साल की लड़की, भारत की एक 24 साल की बेटी को एक मिनिस्टर और एक उसका चमचा, उसका चंटू, उन लोगों ने मिलकर किस तरीके से उसका पहले अपहरण किया और अपहरण करने के बाद उसको बड़ी बेरहमी के साथ मार दिया। ये सब कुछ उड़ीसा में चल रहा है, एक पॉलिटिकल रैकेट चल रहा है, सेक्स रैकेट, और उस सेक्स रैकेट में जिम्मेदार राज्य के गृह मंत्री का नाम आ रहा है, एक बहुत बड़े स्कूल के संचालक का नाम आ रहा है, और मीडिया मुंह में टेप लगाकर सिलकर बैठी है, आपको नहीं बता रही कि उड़ीसा में बीजेडी क्या कुछ कर रही है, कि उड़ीसा में बीजेडी पार्टी ने क्या कुछ किया, उड़ीसा के बीजेडी पार्टी के मिनिस्टर्स का नाम कहां पर है। They won't tell. दर्शकों, दोनों तरफ दो चेहरे दिख रहे हैं, एक कैप्टन है, एक प्लेयर है। जो कैप्टन है वो दरअसल राज्य का गृह मंत्री है, और राज्य का गृह मंत्री, दर्शकों, राज्य का गृह मंत्री जो है वो मेरी इस तरफ है, और राज्य का गृह मंत्री दरअसल पूरी कहानी का रचयिता है, पूरी कहानी का मास्टरमाइंड, और इस तरफ जो बैठा है वो प्लेयर है। ये मास्टर है, ये कैप्टन है और ये प्लेयर है। इन दोनों ने मिलकर एक लड़की की जान ले ली। क्यों? क्योंकि वो लड़की जान गई थी, वो लड़की जानती थी कि ये लोग क्या कुछ करते हैं। वो लड़की जान गई थी कि कैप्टन और उसके साथ मिलकर उसका ये चिंटू, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये दोनों चपड़ चिंटू हैं। एक कैप्टन है तो एक प्लेयर है। दर्शकों, जो चिंटू है उसका नाम है गोविंद साहू। ये गोविंद साहू नाम का जो शख्स है, ये एक स्कूल चलाता है जिसका नाम है सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल, और ये स्कूल है महालिंग में, सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल महालिंग, ये वहां इस स्कूल को चलाता था। इसके स्कूल में पढ़ने वाली एक 24 साल की, पढ़ाने वाली एक 24 साल की अध्यापिका जिसका नाम था ममिता मेहर, उसको इसके बारे में पता लग गया था कि ये क्या कुछ करता है, ये यहां पर सेक्स रैकेट चलवाता है, यहां पर सेक्स स्लेव बनाने की कोशिश करता है। और जैसे ही ये बात पता लगी, उस बेटी का अपहरण हो गया। 8 अक्टूबर को इसी गोविंद साहू ने उसको बुलाया एक मीटिंग के बहाने, और यही गोविंद साहू उसको लेकर चला गया, और 8 अक्टूबर के बाद से वो मिली नहीं। आज 19 अक्टूबर है, आज वो मिली है, लेकिन उसकी मौत हो चुकी। कितनी दर्दनाक है ये बात, ये कहानी, लेकिन कोई भी दिल्ली का मीडिया इसको नहीं बताएगा, कोई भी नेशनल मीडिया आपको इसको नहीं बताएगा, क्योंकि दर्शकों इसमें राज्य के गृह मंत्री कैप्टन दिव्यशंकर मिश्रा वो शामिल है। कैप्टन दिव्यशंकर मिश्रा वो शख्स है जो कुछ दिन पहले इसी व्यक्ति के स्कूल में गया और बड़ी बड़ी डींगे हांकी, बड़ी बड़ी डींगे हांकी। शिक्षाविद बता रहा था इसको, कह रहा था ये शिक्षाविद है, यही है महाशय, कह रहा था शिक्षाविद है ये शख्स। ये दोनों मिलकर क्या कुछ कर रहे उड़ीसा में, ये बैठा है ये शख्स, इसने एक 24 साल की लड़की को पहले तो सेक्स स्लेव बनाने की कोशिश की, अपने सेक्स रैकेट के धंधे में उतारने की कोशिश की, और जब उसने इन दोनों का भांडा फोड़ा, ये दोनों जो दिख रहे हैं बाजू वाली स्क्रीन पे, यही दोनों, इन दोनों का जब भांडा फोड़ा तो इन्होंने उस लड़की को अगवा करा, उस लड़की का अपहरण करा लिया। इस शख्स ने जो बैठा है, इसी शख्स ने उसको अगवा कराया। उसके बाद इसको पुलिस ने पकड़ा इसको, 366 IPC इसके ऊपर धारा लगाई,
इसको थाने में बैठाया, और जब थाने में बैठाया इसको, तब वहां से ये कहता है कि यह हाथ धोएगा, वॉशरूम जाएगा, यह हाथ धोने वॉशरूम जाता है, एंड देन ही स्किप्ड, एंड दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग टू नाउ। एक आदमी 366 आईपीसी के मामले में जो मुकदमा जिस पर दर्ज है उसको पुलिस लेकर आती है, पुलिस का नाम तितलागढ़ पुलिस बराक, वो पुलिस उसको पकड़ कर लाती है और हाथ धोने के बहाने भेज देती है। 17 अक्टूबर को ये दर्शकों भाग जाता है, 17 अक्टूबर को ये भाग जाता है, और 19 अक्टूबर को ममिता मेहर की लाश मिलती है। सीधे सीधे घर वालों का आरोप था कि गोविंद साहू ने उसकी हत्या कर, उसका अपहरण कर, लेकिन इसके बावजूद ये दिव्यशंकर मिश्रा जो उसका पीछे से बैकअप प्लान कवर फायर दे रहा था, उसकी वजह से आज इसकी बेटी की मौत। मुझे कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं यह कहने में कि यह कैप्टन और यह प्लेयर, यह चिंटू और यह इसका कवर फायर देने वाला मंत्री, इन दोनों ने मिलकर एक बेटी को अगवा किया। उसके साथ इन लोगों ने गलत काम करने की कोशिशें की, उसको अपने सेक्स रैकेट में उतारने की कोशिश की, बट व्हेन दे फेल्ड दे किल्ड। और दर्शकों, ये सिर्फ नेशनल मीडिया को शर्म आनी चाहिए, जो नोएडा में बैठकर कहते हैं कि वो पूरे देश के मुद्दे उठा रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। शर्म इसलिए आनी चाहिए कि उड़ीसा में मंत्री और उसके चिंटू मिलकर एक लड़की को सेक्स रैकेट पे उतारने की कोशिश करते हैं, और जब वो भागती है, जो वहां से निकलने की कोशिश कहती है, वो कहती है पोल खोल देंगे, तब ये लोग मिलकर उसको हत्या, उसकी हत्या करते हैं। और नेशनल मीडिया क्या दिखा रहा है, जरा सोचिए। ये नेशनल मीडिया आपको दिखा रहा है कि प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं, ये नेशनल मीडिया आपको क्या दिखा रहा है, ये नेशनल मीडिया आपको दिखा रहा है कि तथा कथित किसान आंदोलन का नेता राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहा है, ये नेशनल मीडिया है। अगर ये नेशनल मीडिया है तो शर्म आती है ऐसी मीडिया। क्या उड़ीसा हमारे देश का हिस्सा नहीं, क्या भाषा की बंदिशें हमें रोक सकती है, मुझे नहीं रोकती, कावेंद्र चौहान को कोई भी भाषा की बंदिश नहीं रोक सकती। मैं कार्यक्रम यूं ही करता हूं, देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसका। आज बीजेडी के सारे मंत्रियों पर शक की नजर से उनको पूरा देश देख रहा है, पूरा भारत पूछ रहा है, आज पूरा भारत जानना चाहता है आज कि उड़ीसा के मामले पर कोई बात क्यों नहीं कर, कोई मीडिया इसको क्यों नहीं उठा। क्या इस सिर्फ उड़ीसा का मसला, क्या सिर्फ उड़ीसा की मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो इस पर बात करे, क्या हम लोग की कोई जिम्मेदारी, क्या नेशनल मीडिया जो दिल्ली में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करती है उसकी कोई जिम्मेदारी, क्या देश में केरला अलग है, क्या चेन्नई अलग है, क्या उड़ीसा अलग है, क्या अरुणाचल प्रदेश अलग है, क्या नेपाल, ये सब नेपाल है, क्या ये भारत का हिस्सा नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करना जानते हैं, मध्य प्रदेश की बात करना जानते हैं, राजस्थान की बात करना जानते हैं, महाराष्ट्र की बात करना जानते हैं, राजस्थान की बात करना अगर आप जानते हैं, तो आप यह भी समझिए कि उड़ीसा भी इसी देश का एक हिस्सा है। वहां पर एक लड़की जो अध्यापिका थी, बच्चों को शिक्षा देती थी, उसको एक प्रिंसिपल जो कि मंत्री का चेला है, चिंटू है, वो उससे कहता है कि उसके सेक्स रैकेट के धंधे में शामिल हो जाए। जब उसको पता लग जाता है, पोल खुल जाती है, जब उसको लगता है कि फंस जाएगा, वो लड़की को अगवा करा, अपहरण करा, पुलिस पकड़ती है, पुलिस छोड़ देती है। 17 तारीख को भाग गया, ये बकवास, एब्सर्ड। 17 तारीख को वो थाने से भागता है, 19 तारीख को आज लाश मिलती है, और आज शाम को उसकी गिरफ्तारी। क्या दृश्य मूवी चल रही है, क्या इस मर्डर मिस्ट्री को समझना इतना मुश्किल है, क्या सिर्फ उड़ीसा के पत्रकार, उड़ीसा के रिपोर्टर, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इतनी बड़ी घटना को कवर करें। आज नेशनल चैनल के मंच से ये मैं मांग करता हूं कि ये जो मंत्री जिसका नाम है दिव्यशंकर मिश्रा, इसको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
इसका भी इस्तीफा लेना चाहिए। और मेरे साथ पूरे उड़ीसा के लोग हैं और पूरा उड़ीसा मेरे साथ ये कह रहा है कि सिर्फ चिंटू को गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा। ये जो इनका गृह मंत्री है दिव्यशंकर मिश्रा, इसको भी गिरफ्तार करना होगा। और ये सिर्फ अगर जिनको लगता है कि मेरी आवाज है, जिनको लगता है कि भाषाई बंदिशें मुझको उड़ीसा के लोगों की आवाज बनने से रोक देंगे, तो ये मेरे उड़ीसा के लोग जानते हैं कि मैं रुकने वालों में से नहीं, मैं ठहरने वालों में से नहीं। दर्शकों, एक ऑडियो टेप है, वो आपको दिखाना चाहूंगा। ये उड़ीसा के लोगों के लिए है, उड़िया भाषा में है, लेकिन मुझे लगता है कि उड़िया के एक एक आदमी को जिसको ये उड़िया भाषा आती है, उड़ीसा के एक एक शख्स को, उड़ीसा की एक एक महिला को, एक एक बेटी को, एक एक युवती को, एक एक पुरुष को, एक एक बुजुर्ग को, एक एक बालक को ये रिकॉर्डिंग सुननी चाहिए। इस रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे कि राजनीतिक कंबल ओढ़े एक शख्स कैसे हत्या करता है, कैसे मर्डर करता है, और इसको मर्डर मिस्ट्री बनाने में भी वो नहीं चूकता। और पुलिस ये नामर्द पुलिस है, ये वो पुलिस है जो 8 अक्टूबर से एक बेटी गायब थी, आज 19 अक्टूबर है और पुलिस कुछ नहीं। घरवाले बेचारे, घरवाले रोते रहे, दे वर क्राइंग इन फ्रंट ऑफ देम, व्हाट दे डिड, दे हेल्प्ड देम एस्केपिंग दिस पर्सन गोविंद साहू। और आज लाश मिली, शर्म करो, शर्म करो। इस ऑडियो को सुनिए और देखिए कि किस तरीके से एक आदमी राजनीतिक चाशनी में, गृहमंत्री का चेला, किस तरीके से इस मामले को दबाने की, इस मामले को पैटर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है। सब कुछ ऑडियो टेप में सुनिए आप। दिव्यशंकर मिनिस्टर दिव्यशंकर कहन के ठीक अच्छे कहन के पता पाए सहाय कर झील दरकार दूसरा किसी दरकार नहीं বঙ্গমুন্ডার গোটে গলা বর্ষে পুরা সিধা কহলা তুমি মারি করে ঠিকি দিছ বলা আমাকে বুঝলে কি নেই আর 8 দিন পরে সে শিলা সেটা রায়পুরে আছে বুঝলে কি নেই পুরা সেম ই কথা বঙ্গমুন্ডার সে কাহ না বি কৌথিলা অমকা নাম কৌছে আর বলা কে তাকে টিসি দি দেলু পছে আসলা পরে আমি টিসি দি দেলু বয় এটা ইনতি লোকের বড়া বলি করি তো আমার সাইড রু মুই আজ্ঞা দেখুন পুরা মন্ত্রী কে কবি সে এবে হোম ডিপার্টমেন্ট রে অছন আচ্ছা শুনুন কালি থানা বাবু আমাকে ডাইরেকশন দি বলা বলে ই জায়গার ইনসিডেন্ট নেছে সেনে হো আর মোর পাকে দেবে তথাপি আমি এফআইআর কপি দেলু থানা বালাকে দেখছি কানা মিলুছে লোকেশন ফুকেশন কানা যে মই বি মোর দ্বারা যা হচ্ছে চেষ্টা করবে আর মই বলে আপনাকে ফোন করবে মেটবার লাগি এটা ঠিক আছে হ্যাঁ নে আমি যে শুনুন উভে কুল মিশি করে খুঁজমা বলে সিনা इससे पहले भी एक ऑडियो टेप सामने आया था जिसमें ममिता का एक कलीग ममिता के भाई से बात कर रहा और वो ममिता के भाई से कह रहा था कि ये जो गोविंद साहू है, ये जो स्कूल की मैनेजिंग कमेटी का जो प्रेसिडेंट है, ये यहां पर कुछ गलत काम करवाता है, ये यहां पर लड़कियों को सेक्स के धंधे में उतारना चाहता है, ये यहां पर सेक्स रैकेट खोलना चाहता है। लेकिन ममिता लगातार इसका विरोध कर, उसको क्या पता था जिसका वो विरोध कर रही है वो दरअसल एक मंत्री का, गृह मंत्री का, उड़ीसा के गृह मंत्री का चेला है चिंटू, उसको क्या पता और इसकी सजा उसको मिली। क्या उड़ीसा की सभी बेटियों को, उड़ीसा की सभी बहनों को इन जैसे आपराधिक छवि के लोगों के सामने नतमस्तक होना होगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो उड़ीसा उसमें इंक्लूड नहीं है?
क्या बीजेडी पार्टी, उसके नेता, उसके मंत्री दिव्य शंकर मिश्रा का अभी तक समर्थन कर रहे हैं? ये सब बातें खुलनी चाहिए। ये सिर्फ उड़ीसा का मसला नहीं है, उसको नेशनल कैंपेन बनाया जाएगा और ये नेशनल कैंपेन बनेगा। भारत एट नाइन कार्यक्रम में तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उस मंत्री को गिरफ्तार ना करवा, उस मंत्री का इस्तीफा ना करवा दे, उस मंत्री को सलाखों के पीछे ना पहुंचवा दे, तब तक भारत एट नाइन की मुहिम नहीं रुकेगी। इससे पहले भी कई लोगों को लगता था कि कार्यक्रम से क्या होगा, क्या होगा, इसी भारत एट नाइन की बदौलत एक बहुत बड़ी नेता उनका अस्पताल भी बंद हुआ, इसी भारत एट नाइन की बदौलत एक थप्पड़बाज लड़की आज बहुत परेशानियों में, और इसी कार्यक्रम की बदौलत अब इतिहास लिखा जाए। दर्शकों, इसमें महज गोविंद साहू तो एक प्यादा है, गोविंद साहू कोच नहीं है, वो सिर्फ एक प्लेयर है, एक कठपुतली है। इसके पीछे खेल बड़ा है। ये जो शख्स दिख रहा है, ये दोनों इसमें शामिल हैं, ये दोनों शामिल हैं इसमें। इन दोनों ने मिलकर ना जाने कितनी बेटियों की हत्या की, ना जाने कितनी बेटियां इनकी वजह से जान से हाथ धो बैठे, लेकिन इनको लगता है कि नेशनल मीडिया पर बात नहीं होगी, दिल्ली का मीडिया इस पर बात नहीं करेगा, चर्चा नहीं करेगा, तो क्या हुआ? उड़ीसा में सब कुछ करते रहेंगे, उड़ीसा में सब कुछ करते रहेंगे। उड़ीसा में एक सरकार चल रही है जो कुछ भी करेगी, और यही मंत्री कुछ दिन पहले गोविंद साहू के स्कूल में जाकर कहता है कि शिक्षाविद या अपराधी, ये शिक्षाविद है, बड़ी बड़ी ढींगे हाँकता है, बड़ी बड़ी तारीफों के पुल बांधता है, ये शिक्षाविद है जो सेक्स रैकेट चला रहा था। इस मंत्री से उड़ीसा की सभी बेटियों को ये पूछना चाहिए, तुम गृह मंत्री हो या फिर क्या हो? तो जवाब देना हो, लेकिन ये जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। दे आर लायर्स, दे आर क्रिमिनल माइंडेड पर्सन्स, दे आर नोइस्ट, दे आर अपॉर्चुनिस्ट, दे हैव किल्ड अ गर्ल ऑफ उड़ीसा, दे हैव किल्ड अ भारत की बेटी, एंड विल नॉट बी साइलेंट। I am promising you this, that I'll make it a national campaign. I am promising to the public of Odisha. I am promising you that I'll not stop. I'll not halt. I'll not stop till this mantri resigns and Mamita gets justice. This fight of justice for Mamita, I am with the people of Odisha, and I am promising to all, each and every person, each and every beti of Odisha, that I am with you. This is Kavendra Chauhan, your brother, your son, that will not stop. I'll fight for the rights of betis of Odisha. I'll not stop. So I'm getting emotional this time. There's an audio tape of a leader who has alleged that this person, Govind Sahu, has done this all, and Captain Divy Shankar Mishra, who is the Home Minister of Odisha, is also involved. Let's hear it. Is audio clip ko sunte hain. Kya kuch keh rahi hain? Kahan dore? गोविंद साहू जो सामान्य लोक से कहीं के पुलिस बेरिकेड पले बसे एटा पुलिस जाणी शुणी के फेरार करिछे एटा एटा पुलिस रो हाथ अछि आओ ए शासक दल रो मंत्री मानकर हाथ अछि एटा आपण माने जाणी शुणी के काम करछंती आ सरकार को मो चैलेंज दोछि तांको अनुरोध करूछि
যে এই মন্ত্রী কো তাকে মহন্ত মন্ত্রী পদর বহিষ্কার করে যাও নইলে আমি আগামী দিন রে রাজ রাস্তায় ওলাইবু আউ ভয়া ভয়া ভর পরিস্থিতি হবো ম্যাডাম আপনার কেমতি কনফার্ম হলে যে এই যে আপনার এই অঞ্চল রে থিলে কিন্তু এই কলেজ রে কোন চলতিলা আপনার দেখো তো সরকারি যেতে এটা দীর্ঘ দিনর ম্যাডাম দীর্ঘ দিনর এটা চালি আসিছি এটা পরস্পরে শোনা শুনে হচ্ছে যে ঝিও মানুষ এমানে ডাকে কি ফিজিক্যাল রিলেশন রাখছেন আউ মন্ত্রী তো সপ্তাহকু থরে আসতিলে আজ্ঞা সপ্তাহকু থরে যদি তাঁকর এই লোভ নথিলা সেমানে আসি নথান্তে আমি মন্ত্রীকু দেখিবা পাই আমি লোক মানে চাহি রইথান্তি কিন্তু মন্ত্রী এঠি অহরহ পড়ি রহুতিলে এঠি জনে মন্ত্রী আসতিলে কি আউ নেতা মানে আইয়া এঠি আইন মন্ত্রী বসিছিলে প্রতাপ জেনা সে বি আসিছিলে আউ সে বিন্ধানি কোড়ে গলা সে তার 1200 পড়ি কোড়ে গলা সে বিন্ধানি অন্য কলেজ আমার দেখুন তো গভর্নমেন্ট কলেজ আমার জুনাগড় কনস্টিটিউয়েন্সি গভর্নমেন্ট কলেজ তিনটা আছে জুনাগড়ে দুটা আছে চিচেগুড়ারে আছে গভর্নমেন্ট কলেজ মানুষ অনুদান ন দেখি এটি কাহিঁ অনুদান দৌলে মন্ত্রী তাঁকর অনুদান কাহিঁকি দিলে রাতে বি আসি সে শোলে এটা কি রহস্য অ আগর আমি পরস্পর শুনেছি কেই হলে ভয়েস উঠাই নথিলে তাঁকর এই কলাকার নাম আজি পদাকু বাহারছি জনে শিক্ষয়িত্রী জনে অধ্যক্ষ সে কাগজ পত্র করবু আস বলে কইকি এইপরি পরিস্থিতি করছেন এমতি অপহরণ করছেন পুলিশ হাত উপরে হাত রহিকে বসছি मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, मेरी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है, लेकिन मेरी कर्म भूमि दिल्ली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं भारत के अन्य हिस्सों की बात ना कर सकूं, इतना कायर नहीं हूं। दर्शकों, इस मुद्दे पर बिल्कुल भी अब पीछे हटने की जरूरत नहीं है। इस मुद्दे को अब नेशनल मूवमेंट बनाएंगे, इस मुद्दे पर नेशनल तरीके से बात होगी, इस मुद्दे को नेशनल कैंपेन बनाया जाएगा। वो वक्त चला गया जब मंत्री और उनके चमचे मिलकर देश के हालातों पर चर्चा करते थे, इनको बिगाड़ते थे और फिर आम लोगों को नुकसान पहुंचाते थे। अब वो वक्त चला गया, अब वो समय चला गया। उड़ीसा के लोगों से मेरा साफ कहना है कि अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। आई नॉट स्टॉप, आई विल बी द वॉइस ऑफ उड़ीसा एंड आई विल नॉट हॉल्ट माई प्रोग्राम। I can't be silenced and I am with you and I am with Mamita and I say tonight justice for Mamita। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी मुद्दे पर और भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।